हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो हमारा बर्थडे सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है, जिसमें कि बिल्कुल बजट में हम बर्थडे डेकोरेशन कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमने अमेज़ॉन से एक पैकेज मंगाया था जिसमें कि 50 पोल्का डॉट बलून्स थे, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बलून्स थे। साथ में फॉइल बलून्स थे जो कि अल्फ़ाबेट के हैप्पी बर्थडे वाले बलून्स होते हैं। साथ में उसको इन्फ्लेट करने के लिए स्ट्रॉज दिया था, रेड रिबन दिया था और डबल साइडेड टेप दिया था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को 350 रुपीज़ में मिली थी। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद लोकल शॉप से हमने ये एयर पंप लिया था जो कि सिर्फ 25 रुपीज़ में मिला था हमें। तो उससे हमने जो सारे बलून्स थे, जो पोल्का डॉट के बलून्स थे, उनको इन्फ्लेट करके हमने एक जगह कर दिया। तो 50 बलून्स रेडी हो गए। उसके बाद हमें फॉयल बलून को इन्फ्लेट करना है। इस तरह से जो स्ट्रॉ दिया हुआ है, आपको पूरे स्ट्रॉ को इंसर्ट करना है, बस 2 सेंटीमीटर उसका बाहर होना चाहिए। यहाँ पे एक ओपनिंग दिया रहता है फॉयल बलून में, और इस तरह से स्ट्रॉ इंसर्ट करके आप, हमने जो एयर पंप बलून के लिए यूज़ किया था वही आप फॉयल बलून के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर माउथ से भी किया जा सकता है। उसके बाद बहुत ध्यान से आपको करना है, बिकॉज 90% ही फिल होना चाहिए, नहीं तो ये बर्स्ट हो सकता है। और इसमें एक ओपनिंग जहाँ से हमने स्ट्रॉ डाला है, जब फिल हो जाए तो आपको स्ट्रॉ निकाल देना है और वो ओपनिंग अपने आप सील हो जाती है। डिफ्लेट करने के लिए भी आपको यही मेथड लेना है, जहाँ से आपने स्ट्रॉ इन्फ्लेट करने के लिए डाला था आप वहीं पे स्ट्रॉ डालिए और 2 सेंटीमीटर फिर से बाहर होना चाहिए, और धीरे धीरे प्रेस करके उसका हवा बाहर करना है। अगर आपने ज़ोर से प्रेस किया और स्ट्रॉ भी पूरा डाल दिया है, या फिर आपने आधा डाला हुआ है, तो बलून बर्स्ट हो सकता है। फॉयल बलून्स के हर अल्फ़ाबेट में साइड में एक होल था जिसको हम कनेक्ट कर सकते थे एक दूसरे से। तो इस तरह से रिबन डाल के हमने सारे अल्फ़ाबेट्स को कनेक्ट कर दिया था। तो हैप्पी हमने एक बार कनेक्ट किया, उसके बाद नीचे बर्थडे कनेक्ट किया एक रिबन से। तो ये हमारा फॉयल बलून्स रेडी हो गया। उसके बाद हमने ये गोल्डन फ्रिंज कर्टन ऑर्डर किया था जो कि 150 रुपीज़ में हमें अमेज़ॉन से मिला था, जो बैकड्रॉप में काम आता है। फिर डबल साइडेड टेप लगाकर हमने इसको अपने विंडो पे लगाना था, तो हमने कर्टन के ऊपर लगा दिया था। आप उसको वॉल पे भी, अगर आप वॉल का बैकग्राउंड दे रहे हैं तो वॉल पे स्टिक कर दीजिए। तो ये हमारा बैकग्राउंड रेडी हो गया है, और इसके ऊपर हम अभी फॉयल बलून्स जो हमने बनाए थे हैप्पी बर्थडे के, वो हम उस पर लगा देंगे। उसके बाद ग्लू टेप्स यूज़ करके हमने सारे बलून्स इस तरह से साइड साइड में स्टिक कर दिए, सिंगल सिंगल बलून करके। और उसके बाद एक रिबन से हमने कुछ 5-6 बलून्स का ग्रुप बनाया इस तरह से टाई करके। आप उसको टाई कर सकते हैं, पहले एक बलून पे नॉट बांध दीजिए, उसके बाद आप बाकी बलून्स को भी उसके साथ में लेके नॉट बांध सकते हैं। तो इस तरह से हमने बलून्स का बंच बनाकर हमने साइड में दोनों जगह पे लगा दिया। ऊपर में भी हमने रिबन से ही बलून्स बांध के लगाए हुए हैं। तो इस तरह से जितने भी बलून्स हैं आपके पास, आप रिबन से अटैच कर करके वो सारे बलून्स एक साथ अटैच करके आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। टेबल को हमने बहुत सिंपल रखा था, जस्ट एक हमने टेबल क्लॉथ लगा दिया था और उसके ऊपर में हमने 4-5 बलून्स इस तरह से अटैच कर दिए थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।